आज मैं बात करने वाला हूँ आप अपने फ़ोन के ज़रिए आप घर बैठे आप अपने राशन कार्ड को किस प्रकार से डाउनलोड कर लेते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी का हम लोग नाम राशन कार्ड एड तो करा लेते हैं फिर उसमें शो नहीं होता है, तो यहाँ से डाउनलोड करें तो उसमें जो भी नाम कटा होगा चढ़ा होगा आप अपने फ़ोन के ज़रिए आप अपना न्यू राशन कार्ड किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अपने फ़ोन में एक छोटी सी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। तो चलिए इसमें मैं आ जाता हूँ, सर्च में आपको लिख देना होगा मेरा राशन, जैसे लिखेंगे मेरा राशन तो आपको फर्स्ट पर आ जाना होगा मेरा राशन 2.0, तो आपको इसमें डाउनलोड कर लेना होगा। चलिए मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे डाउनलोड करेंगे तुरंत ही आप इस प्रकार से इंस्टॉल हो जाएंगे, जैसे इंस्टॉल हो जाएंगे आपको ओपन हो गया। तो बता दें वीडियो को लास्ट बन रही है, मैं ज़्यादा वीडियो लेकर लंबा नहीं जाना चाहता हूँ। ओपन कर लेना होगा, ओपन जैसे करेंगे तो बता दें ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल ऐप है, आपको अलाउ पर क्लिक कर देना होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अलाउ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए इतने लैंग्वेज में आपको आ जाएगा, आप अपने हिसाब से जो भी आपको लैंग्वेज आती होगी उसमें आपको सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं अपना इंग्लिश पर सेलेक्ट करके नेक्स्ट हो गया, तो आप इस प्रकार से आ जाएगा। तो आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना होगा, जैसे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो बता दूँ 99% लोग यहीं पर मिस्टेक कर रहे हैं। इसमें दो ऑप्शन आ रहा है, तो आपको बेनिफिटेड यूज़र पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसमें अपना राशन कार्ड नंबर डाल लीजिएगा, जो भी राशन कार्ड अपना सॉरी अपना आधार कार्ड नंबर 36, तो बता दूँ इसमें आपके फ़ोन में अपना आधार कार्ड नंबर जो ऐड होता है ना उस नंबर पर आपके पास OTP आएगा, उस OTP को आपको डालना रहता है। पहले इसमें देखिए आपको लेफ्ट साइड में एक अपना कैप्चर कोड होगा, चलिए मैं कैप्चर कोड को डाल लेता हूँ। कैप्चर कोड को जैसे जैसे लेटर में होगा आपको वैसे वैसे लेटर में डालना होगा 0F7C। चलिए मैं डाल लिया, फिर लॉगिन विथ OTP में क्लिक कर दिया। जैसे मैं क्लिक किया आपको ओके पर क्लिक कर देना होगा। ओके पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको उस नंबर पर जो भी हमारे आधार कार्ड में होगा उस पर तुरंत ही OTP आएगा। चलिए मैं उस OTP को डाल लेता हूँ 42 69 89। तो जो भी OTP आएगा उस OTP को आपको डालना है। OTP को जैसे डालेंगे आपको देखिए OTP सक्सेसफुल हो गया। आप इसमें देखिए आप अपने हिसाब से पिन भी बना सकते हैं, जो भी पिन बनाना चाहते हैं आप इसमें पिन बना सकते हैं। चलिए आपको वही पिन इसमें डालना होगा जो पहले डाले थे, तो फिर आपको डाल लेना होगा जैसे डालना होगा। पिन बनाने से ये फ़ायदा होता है कि आप अगले बार अगर इसमें जैसे लॉगिन करेंगे तो आप पिन नंबर जैसे डालेंगे तुरंत ही लॉगिन हो जाएगा। इसमें आपको OTP द्वारा लॉगिन नहीं करना है, आपको इसमें आपको अलाउ पर क्लिक कर देना होगा, स्किप कर देना होगा। देखिए इस प्रकार से आप अपना राशन कार्ड आ जाएगा। राशन कार्ड का देखिए इसमें फ्रंट और बैक दोनों साइड इसमें आ जाएंगे। देखिए बैक साइड हो गया, इसमें देखिए मेरे पाँच यूनिट है, पाँच लोग हैं, इसमें पाँच लोगों का नाम होगा, जिसका भी नाम इसमें कटा होगा ना उसमें नाम होगा इसमें शो नहीं होगा। इसमें देखिए टोटल लोगों के इसमें पाँच यूनिट हमारा दिखा रहा है। इसको डाउनलोड करना है तो आपको कहाँ से डाउनलोड किया जाता है, आपको देखिए यहाँ पर राइट साइड में डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए मेरा इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ। ये देखिए आपको PDF के रूप में, ये देखिए PDF के रूप में आपका डाउनलोड हो जाएगा यहाँ से डाउनलोड, तो आप यहाँ से अपने PDF में उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद होगी मेरी वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ अपन छोटा भाई समझ कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके बाय बाय।